डिविडेंड और रिटेन अर्निंग में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स? अगर कंपनी अपने आफ्टर टैक्स प्रॉफिट से कुछ पोर्शन डिसाइड करती है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। और ये जो डिविडेंड इनकम होती है शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स फ्री होती है अभी के डेट में। और वहीं दूसरी तरफ जो इनकम का पोर्शन कंपनी डिसाइड करती है कि अपने पास रखेंगे, इसको शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उसको हम लोग रिटेन अर्निंग या रिजर्व के नाम से जानते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है और कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग 20 करोड़ इसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड। सो वो डिविडेंड हो गया और बाकी जो 80 करोड़ कंपनी अपने पास रख रही है उसको वो अपने रिजर्व्स में या रिटेन अर्निंग्स में रखेगी। इस पैसे को कंपनी फ्यूचर में किसी भी पर्पस से यूटिलाइज कर सकती है, चाहे तो रीपेमेंट ऑफ डेट हो, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस हो, या न्यू एक्विजिशन हो, या किसी और दूसरे कारणों के लिए।